सरकार जरूरत पड़ने पर बजट सत्र को 2 दिन बढ़ाने पर विचार कर रही है और ऐसा होने पर कोयला खान एवं खनन जैसे महत्वपूर्ण सुधार बिलों को पारित कराने के लिए संसद की बैठक 23 और 24 मार्च को भी हो सकती है। अंदरूनी कलह से जूझ रही आपके लिए अब एक नई मुश्किल सामने आई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करके उससे राज्य में हुए एक नन के साथ गैंगरेप मामले पर रिपोर्ट मांगी है। नदिया जिले में एक कॉन्वेंट स्कूल में 71 साल की नन से गैंगरेप के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ममता ने कहा है कि नन के साथ गैंगरेप का मामला काफी गंभीर है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना ने विधान परिषद के सभापति शिवाजी राव देशमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देने और राज्य के लोगों के साथ विश्वासघात करने पर बीजेपी की आलोचना की है। आईएएस ऑफिसर डी के रवि की मौत की गूंज कर्नाटक में विधानसभा से लेकर सड़कों तक सुनाई दे रही है। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि सरकार जब तक आईएएस ऑफिसर डी के रवि की मौत की जांच का मामला सीबीआई को नहीं सौंपा देती तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 70 अंक पर पहुंच गया। इंडियन बैट्समैन के फॉर्म से चिंतित बांग्लादेशी कप्तान मुर्तजा ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में कल पहले बल्लेबाजी करने पर कितना स्कोर उनके लिए अच्छा माना जाएगा। स्टार बैट्समैन विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ 19 मार्च को होने वाले वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मैच से पहले तरोताज़ा होने के लिए बॉलीवुड की नई फिल्म एनस्टेन देखी जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा मेन रोल में हैं। व्हाइट हाउस को साइनाइड का एक लिफाफा मिला है जिस पर उसी व्यक्ति का पता है जिसने पहले यूएस प्रेसिडेंट को मलमूत्र से भरा एक पैकेट भेजा था। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।